तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 13/9/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं किया तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, कर सकते हो। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी यू एस आर राइट एंगल्ड एट क्यू एंड यू रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टी यू एस। दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी यू एस क्रमशः क्यू और यू पर समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज टी यू एस के, ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका, ट्राइंगल पर फोकस करना, समझने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, ठीक है। हिंदी में लिखो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी यू एस में, त्रिभुज पी क्यू आर ये है, टी यू एस नीचे वाला है, ठीक है, टी यू एस ये नीचे वाला है। इंग्लिश में लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी यू एस, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यू, ये जो है ना पी क्यू, ध्यान से देखो इन दोनों ट्राइंगल में पी क्यू, यहाँ पर ये सिंबल है सेम ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब पी क्यू है ये बराबर है टी यू के, तो यहाँ पर लिखा पी क्यू बराबर टी यू, हिंदी में लिखो दिया, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। इसी प्रकार फिर से देखो पी आर, यहाँ पर देखो ये सिंगल सिंबल, यहाँ पर सिंगल सिंबल है इस त्रिभुज में, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो मतलब पी आर बराबर टी एस के, हिंदी में लिखो दिया, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का है क्यू और यहाँ पर यू है 90 का, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल क्यू बराबर एंगल यू 90 का है, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में लिखो गिवन, ठीक है। इसलिए ट्राइंगल पी क्यू आर ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी सर्वांगसम होगा ट्राइंगल टी यू एस के, टी यू एस के इसके। रीजन क्या लिखोगे, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड, यानी आर एच एस रूल से, आर एच एस का मतलब एक कोण समकोण है दोनों में, ये भुजा इसके बराबर है और ये कर्ण जो है इस कर्ण के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आर एच एस का मतलब राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा हिंदी में, ठीक है, इसका मतलब मैंने साइड में नीचे लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।